वैसे तो स्टॉक मार्केट का गिरना, अपने पोर्टफोलियो को लाल होते हुए देखना या अपने गेन्स कम होते हुए देखना किसी को भी नहीं पसंद। बट हम सबको एक चीज़ ज़रूर पसंद है और वो है कम से कम प्राइस में अच्छे स्टॉक बाय करना। एंड यही बेनिफिट होता है क्रैश का। जहाँ पर लोग डर कर एग्जिट कर देते हैं, वहाँ पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर एंट्री लेता है, पिकिंग दी बेस्ट स्टॉक्स दैट ही हैड इन माइंड जो उसे ओवर वैल्यूड लग रहे थे उस टाइम पे। सो इस क्रैश का फ़ायदा कैसे उठाना है वो सीखेंगे इस वीडियो में, और सबसे इम्पॉर्टेंटली कब उठाना है ये भी सीखेंगे इस फाइनल वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी, बट बिफोर दैट डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन्स वीडियो, जहां पर मैं तुलसी बजाज आपको बताने वाली हूं कि कौन से स्टॉक्स आप कंसिडर कर सकते हैं इस डिप में बाय करने को। एंड वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो कोई नहीं बता रहा वो हम बता रहे हैं कि एग्जैक्टली बाय कब करना है ये स्टॉक्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो जो आज का हमारा फर्स्ट स्टॉक रिकमेंडेशन है वो है याशो इंडस्ट्रीज। याशो इंडस्ट्रीज ने अभी तक लोगों को काफ़ी अच्छे मल्टीपल रिटर्न्स दिए हैं और आगे देने की भी पोटेंशियल ये रखता है। केमिकल इंडस्ट्री का ये फेमस स्टॉक जिसकी गुडविल काफ़ी अच्छी है, जो 1993 से इस बिजनेस में है, उसने अपनी ग्रोथ रेवेन्यू में दिखाई है 70% अप्रॉक्सीमेटली, एंड नेट इनकम इसकी 120% से ग्रो करी है। प्लस कंपनी इज वेल नोन फॉर द केमिकल्स दैट इट प्रोड्यूसेस इन लेटेक्स, फूड, ल्यूब्रिकेंट्स, परफ्यूमरी एंड व्हाट नॉट। ये सारे सेगमेंट में ये परफेक्टली डील कर रहा है। सेकेंड स्टॉक का नाम है हमारे हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप सबको पहले से ना पता हो, बट येस दिस कंपनी इज वन ऑफ द बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स दैट आई रिकमेंड यू टू हैव इन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज इट्स ग्रोइंग इन द रेट ऑफ 16.7% एवरी ईयर, एंड काफ़ी अच्छा पोटेंशियल इस स्टॉक में हमेशा से रहा है। अब आते हैं हमारे थर्ड और मोस्ट फेमस स्टॉक। स्टॉक्स की बात हो रही हो और मोटा भाई का नाम ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिलायंस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल स्टॉक्स टू बी इन्वेस्टेड इन फॉर अ लॉन्गर रन ऑफ टाइम। कोरोना के टाइम पे भी इसने जब 800 के आसपास का प्राइस टच किया था, सो इन्वेस्टर्स बूस्टेड अ लॉट ऑफ इट्स स्टॉक्स, कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इट्स स्टॉक्स, और उसके ही बूस्ट ने अभी उसको इस प्राइस पर पहुंचाया है। सो डू नॉट मिस दिस रिलायंस का स्टॉक, बिकॉज इसने जो पोटेंशियल दिखाई है और जितने तेजी से ये हर सेक्टर में बढ़ता चला जा रहा है, दैट हैज बीन अमेजिंग। हर दो दिन में आई कैन सी इन माय एरिया न्यू रिलायंस स्टोर्स ओपनिंग, और महाराष्ट्र तो है ही अंबानी जी का। अब आते हैं हमारे इसके आगे के सेगमेंट में। रिलायंस हैज बीन इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज जिसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। यस, ग्रीन एनर्जी का एक सेगमेंट जिसमें अंबानी ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट किया है। सिर्फ इसने नहीं, ऐसे और ये 5 स्टॉक है जिन्होंने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिंग इस सेक्टर में स्टार्ट कर दिया है। बट एनर्जी सेक्टर की बात करें तो रिलायंस अकेला नहीं दौड़ रहा है इस रेस में। एक और जो जैसे ही हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं सामने आता है टाटा पावर। सो ये जो हमारा 4th स्टॉक है टाटा पावर, दैट हैज बीन कंटिन्यूसली वर्किंग टुवर्ड्स द ईवी सेक्टर एज वी ऑल नो इट। टाटा मोटर्स के साथ ये टाटा पावर ने काफ़ी अच्छा काम अपना एक्सपैंड किया है पावर इंडस्ट्री में। बहुत अच्छे फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के साथ ये खड़ा हुआ है। इसी से याद आया, आप हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का वीडियो देखना ना भूलें जो कि जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है, और उसके लिए ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस द बेल आइकन। करेक्शन की बात हो रही है तो आईटी सेक्टर ने भी अभी काफ़ी करेक्शन दिखाया है, और यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स को नहीं छोड़ सकते, वो है इंफोसिस और हैप्पीएस्ट माइंड। ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इनके प्रोजेक्ट से लेकर इनके फाइनेंशियल तक हमें सब कुछ बहुत स्टेबल दिखता है। सो दिस इज आवर लास्ट रिकमेंडेशन, प्लस एक बोनस स्टॉक तो ज़रूर देता है अध्ययन आपको हर बार। सो ये स्टॉक का नाम है
मोर टेक पैकेजिंग। अगर आप हमें ऑलरेडी फॉलो करते हैं, काफी टाइम से हमें जानते हैं, तो यू माइट हैव सीन दिस पोटेंशियल मल्टीबैगर ऑलरेडी। बट अगर आपको नहीं पता कि ये क्या काम करता है एंड व्हाट इज द कंडीशन एंड व्हाट इज द परफेक्ट वे टू बाय, तो ये रहा हमारा वीडियो जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर भी ऑलरेडी दे दी है, डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट। अब चलते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में, वो है कि आफ्टर ऑल ये सब बाय करना कब है। सब ज्ञान दे तो रहे हैं कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, लेकिन कब वो कोई नहीं बता रहा। तो वो क्वेरी आज आपकी अध्ययन में सॉल्व होगी। तो आपको बेसिकली बहुत ही एक सिंपल सा काम करना है, डेली FII एंड DII की एक्टिविटी चेक करनी है NSE की साइट में। अब ये क्या है, FII आर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। जैसा भी बाहर के लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, दैट इज बीन अ वेरी फुल वाइज डिसीजन मेकर फॉर दी मार्केट, और इसका मूवमेंट इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। FII कंटिन्यूस अक्टूबर 2021 से सेल करते आ रहे हैं, जिस कारण से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, एंड वी कैन सी दैट देर हैज़ बीन नो रेट राइज और देर हैज बीन नो ग्रोथ इन दिस मार्केट। तो आपको बस इनका पैटर्न नोटिस करना है, और जब ये बाय करना शुरू करें तब आपको बाय करने की कंसिडरेशन में लेना है। FII DII का डेटा आपको ऑलरेडी NSE वगैरह या किसी भी नॉर्मल साइट में मिल जाएगा, या फिर आप अगर हमें टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करें तो वहाँ पर भी आपको ये डेटा इजीली डेली अपडेट दिया जाएगा। वंस यू सी दी पैटर्न वेयर FIIs एंड DIIs आर बोथ आर कम्प्लीटली बाइंग फॉर 1 week और मोर, तब आप वहाँ पर इन्वेस्टिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं जोरों शोरों से। टिल देन आप एवरेज आउट कर लीजिए अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में, जो भी आपके हैं जो आपको अच्छे लगते हैं एंड दे हैव द पोटेंशियल, उनको एवरेजिंग का काम करें। बाकी डिप पर बाय करने का ये बेस्ट टाइम है। सो आई होप यू हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे, क्योंकि हमने जितनी आपको नॉलेज देने की कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नया इन्फॉर्मेशन क्या मिला यहाँ से, और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं, सो दैट वी कैन ब्रिंग कस्टमाइज कंटेंट राइट एट योर डोरस्टेप, और शुड आई से राइट विद इन योर हैंड। टिल देन टेक केयर, बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। टेक केयर।